أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to the Dariacum School of Iberia Campus online classes for the month of Ramadan. This is the video for class 4 subject English. So today we are going to learn about a new topic that is punctuation. You have already learned about it during the physical classes. आपने इसके बारे में पढ़ा है ना punctuation के. I have even shared different types of punctuation marks with you. हमने इसके बारे में खूब detail में लिखा भी था. Let's have a quick revision of it. पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो दर हकीकत किसी भी सेंटेंस में पॉजेस देने के लिए या उसकी स्पीच को नरेशन को जो है इन्हेंस करने के लिए होते हैं. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क इट इज़ यूज टू एंड एट द एंड ऑफ एन क्वेश्चन. कॉमा इज यूज टू डोनेट अ पॉज इन अ सेंटेंस. इवन इट इज़ यूज टू हैव मल्टीपल नाउंस और प्रोनाउंस इन अ सिंगल सेंटेंस. जब बहुत सारे वर्ड्स जो है सिमिलर ग्रुप के हों तो उनको लिखने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं. Exclamation mark used to denote shock, surprise or anger as a voice. Quotation marks are usually used to show the narration. किसी की बात को या कोई important चीज़ को quote करने के लिए हम quotation marks डालते हैं. Colon are used to indicate what. किसी भी खास heading के बाद हम colon use करते हैं. Semicolon used to link two independent clauses. दो जुमलों को अगर एक ही बात में जोड़ा जा रहा हो तो उनके बीच में हम semicolon लगाएंगे. सेमीकॉलन क्या होता है? कॉमा के ऊपर एक हल्का सा डॉट. अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज फॉर द पोजेशन और कंट्रैक्शन. किसी भी पोजेशन या कंट्रैक्शन को शॉर्टली लिखने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. इसके अलावा कैपिटल लेटर यूज़ होता है फॉर द प्रॉपर नाउन एंड फॉर द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ओके, सो नाउ लेट्स डू सम वर्क ऑन द नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट डे एंड सी डब्ल्यू ऑन द टॉप लाइन. यू हैव टू राइट द डेट एंड डे ऑन विच The date you are watching this video, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी की डेट और डे आप यहाँ मैंशन करेंगे. ओके, देन यू विल राइट अ क्वेश्चन ऑन योर बुक ऑन योर नोटबुक दैट इज़ पंक्चुएट द फॉलोइंग. हमें पंक्चुएशन करनी है. द सेंटेंस नंबर वन इज़ माई फादर हैज़ बीन टू तेहरान, बगदाद, काबुल एंड जेनेवा. अब ये सेंटेंस हम कैसे करेंगे? इसमें अगर आप देखें स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर जो है एम उसे कैपिटलाइज करना होगा. इसके बाद देयर आर मल्टीपल नेम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के नाम लिखे हुए हैं. वी पुट कॉमा बिटवीन दैम एंड इवन दे आर द प्रॉपर नाउन सो वी विल राइट देयर नेम्स विद द कैपिटल लेटर एंड दिस इज सिंपल स्टेटमेंट सो वी विल राइट वी विल पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. लेट्स डू इट टुगेदर. चलें फिर हम मिलकर इसका आंसर लिखते हैं. माई एम कैपिटल, माई फादर हैज़ बीन टू तेहरान टी कैपिटल आफ्टर तेहरान कॉमा, बगदाद बी कैपिटल देन कॉमा, काबुल के कैपिटल एंड जेनेवा जी कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप. होपफुली यू हैव डन इट विद मी. सही किया ना हमने? वेरी गुड. सो हेयर आर सम मोर सेंटेंसेस फॉर यू. यू हैव टू कॉपी डाउन दी सेंटेंसेज ऑन योर नोटबुक एंड पंक्चुएट दैम सिमिलरली. ठीक है, बाकी ये सारे सेंटेंसेज आपने लिखने हैं और इन्हें पंक्चुएट करना है. पहले सेंटेंस नंबर टू लिखिएगा, उसे पंक्चुएट कीजिएगा, देन राइट नंबर थ्री फोर अकॉर्डिंगली. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सेम इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू द गिवन एक्सरसाइज ऑफ पंक्चुएशन ऑन योर नोटबुक. सी यू नेक्स्ट टाइम. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.